नित्य प्रति का अभ्यास, आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। निरंतर उसका अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, यह अभ्यास हमें स्थिरता एकाग्रता प्रदान करता है। और निरंतर इसकी पुनरावृत्ति हमें जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता में ही स्थित करता है। मस्तिष्क की जो सकारात्मक तरंगे हैं उनका विकास होता है। अल्फा तरंग अत्यधिक रूप से वृद्धि को प्राप्त करने लगती है, ऐसी तरंगे जिनसे तनाव बढ़ जाए, जिनसे चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए, अनियंत्रण बढ़ जाए, ऐसी तरंगे जिनसे अस्थिरता बढ़ती है, चंचलता बढ़ जाए, निर्णय शक्ति का ही ह्रास हो जाए, क्या निर्णय लेना है, दुनिया में जीना किस तरह, कैसे रहना, यह निर्णय ही स्पष्ट न हो सके। तब कैसे जीवन की सहजता नष्ट हो जाती है। तो मस्तिष्क की श्रेष्ठ तरंगों का विकास हो और ऐसी तरंगें जिनसे अनियंत्रण बढ़ जाता है, ऐसी तरंगें जिससे क्रोध अनियंत्रित हो जाए, कामनाएं अनियंत्रित हो जाएं, इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएं, अहंकार अनियंत्रित हो जाए, उन तरंगों को, ऐसी तरंगों को तो नियंत्रित करना होगा जिससे जीवन की सहजता ही नष्ट हो जाए, जिससे जीवन की शांति भंग हो जाए। शांति स्वरूप परमात्मा है, क्यों? क्योंकि उसमें दुख नहीं है, इसलिए। आनंद स्वरूप परमात्मा है, क्यों? क्योंकि उसमें दुख नहीं है, इसलिए। हमारे भीतर भी वह शांति का समुद्र है। जो है उसका ही तो अनुभव करना है, जो है उसका अनुभव, जो बीत रहा है वो तो बीत रहा है, हर क्षण बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु हर क्षण बदल रहे हैं, प्रतिपल बदल रहे हैं, कोई वस्तु स्थिर नहीं है। पृथ्वी ही अपनी कक्षा में घूम रही है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है और हर क्षण हर पल बदल रहा है। मैं
मित्र प्यारे सोच देखो विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है क्षण क्षण बदलता सब सही। बदल रहा है सब कुछ और बदलता जा रहा है संसार, यही है। जो नित्य एक रस है, जो था जो है और जो रहेगा, कण कण में है वो, और केवल कण कण में है क्या, कण कण ही है वह। इसमें ही नहीं, इससे भिन्न भी वही है, प्रकृति से परे भी वही है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर पूर्ण ही शेष बचता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नित्य एक रस है, सहज है, सनातन है, सदैव है, निरंतर है, सृष्टि हो प्रलय हो जाए। जितना दिन उतनी रात, जितना समय दिन का उतना रात, जितना समय सृष्टि का उतना प्रलय। घनघोर अंधेरे में प्रलय में कैसा अंधेरा है, सुप्तावस्था में सब पड़े हैं, महाप्रलय का दृश्य है। जो भी पदार्थ बने हैं वो अपने कारण में चले गए। सूर्य की एक आयु है, सूर्य नष्ट हो गए। पृथ्वी की एक आयु है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी पैदा होता है, जहां से आया है, जिन तत्वों से निर्मित हुआ है, अपने कारण में चला जाता है। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर हम लेकर आए हैं, हमारा रहता यह शरीर तो इसको लेकर चले जाते। अरे हमारा है, हमारा शरीर है, इतना सुंदर शरीर, सर्व साधन संपन्न मिला है, तो हमारा है तो लेकर चले जाओ, तुम्हारा है तो मिला है नहीं, हमारा दिया है उसने, दिया है, हमारा नहीं है। हमारा स्वरूप सच्चित है, अस्तित्व और चेतना वाला है। हमें मिला है, हमारा है नहीं, मिला है। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। इतना मोह है शरीर से, इतनी आसक्ति है, क्योंकि शरीर छूटने का जो भय है वो हमारे पास है, चित्त में स्थित है। जब भी प्राणों पर संकट आता है घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने का भय क्या होता है।
है ना, क्योंकि एक बार प्राण छूटा है, एक बार माँ के गर्भ में उल्टे लटक गए मल मूत्र से भरे शरीर में घोर अंधेरे में, एक बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया, कोई गिनती है? अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार, अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा। इस संसार सागर में है, मैं तू यह वह मेरा तेरा ऐसा वैसा इधर उधर, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है, जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है, जीवन है क्या? इसका कहां किस हद तक कितना अनुभव हो पाता है? जो उत्पन्न हुआ है वो तो अपने कारण में जाएगा, शरीर उत्पन्न हुआ है, ये शरीर तो सदैव है, विनाशी है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। शरीर है, इसकी सत्ता है, परिवर्तित होती है, बढ़ती है। शरीर मतलब संसार, केवल ये भौतिक शरीर, ये पिंड नहीं, शरीर मतलब संसार, भव सागर। शरीर मतलब केवल ये भौतिक शरीर ही नहीं, ये संसार। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह क्या है? जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। जो वस्तु उत्पन्न हुई, बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती, वो तो घटना शुरू हो जाती है, घट घट के वो घट गई, अब और नहीं घट सकती, विनश्यति, अपने कारण में चली गई, बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब बढ़ नहीं सकती। शरीर और संसार के साथ यही है, प्रत्येक विषय के साथ यही है, प्रत्येक संबंध के साथ यही है, जो दिख रहा है बाहर सबके साथ यही है। बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब नहीं बढ़ सकती, तो घटना शुरू, माइनस में जाना शुरू, अब और नहीं घट सकती, अब नए परमाणुओं का निर्माण नहीं हो सकता शरीर में, घट घट के अब घट गई, अब और नहीं घट सकती, विनश्यति। जो कुछ भी दिख रहा है इन्हीं स्थितियों को प्राप्त हो रहा है, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, जो था, जो है और जो रहेगा। कैसा अंधेरा है प्रलय में, महाप्रलय में, कोई अमावस की रात है, बादल हैं बहुत, काली रात है, कोई अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात, प्रलय में कैसा है? तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, केवल अंधेरा नहीं है, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, उस तमस से आच्छादित तमस में
वह जो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वह जो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा है अपने आनंद में स्थित है। सृष्टि प्रलय में चली जाए, महाप्रलय में चली जाए, वो तो था, वो है और वो रहेगा। नित्य है वह, और जिस प्रकार वह नित्य है, उसका ज्ञान भी नित्य है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, हमारे भीतर शांति नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। अरे शांति का समुद्र हमारे भीतर है, तनिक स्थिरता से उसका अनुभव तो करना होगा। हम कौन हैं इसके प्रति चैतन्य तो होना होगा। मैं तू यह वह से ऊपर तो उठना होगा। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रहे हैं आपस में, मैं बड़ी। समुद्र के ऊपरी धरातल पर तरंगे लड़ रही हैं, समीप में पर्वत खड़ा है, तरंगे पर्वत से टकराकर वापस लौट आ रही हैं। पर्वत तो खड़ा है समुद्र तट पर, ये तरंगे आपस में लड़ रही हैं, और लड़ने से कोलाहल होता है कि नहीं? कोलाहल, संघर्ष से कोलाहल होता है, अशांति होती है, शांति भंग हो जाती है। समुद्र के ऊपरी तट पर ये तरंगे लड़ रही हैं, संघर्षपूर्ण वातावरण है, कोलाहल है, चित्र विचित्र दृश्य दिख रहे हैं सामने, संघर्ष से युद्ध से कई प्रकार के दृश्य दिख रहे हैं। सुनामी आ गई क्या? कोलाहल का दृश्य है। इसी समुद्र के गर्भ में अंतराय में, उसके अंतस्थल में कोई कोलाहल है क्या? कोई तरंग लड़ रही है वहां पे? कोई तरंगे लड़ रही हैं? मैं तू यह वह मेरा तेरा, संघर्ष कोलाहल, कोई अशांति है समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतराय में, समुद्र के अंतस्थल में? वहां कोई युद्ध नहीं है, वहां कोई अशांति नहीं है, वहां नीरवता है, गंभीरता है, वहां पूर्ण गंभीरता है, वहां शांति ही शांति है, शांति का समुद्र है वहां, कोलाहल नहीं है, वहां सहजता है, स्वाभाविकता है, नीरवता है, स्तब्धता है, शांति है। कोई कोलाहल तो नहीं? ऊपरी तट पर भले तरंगे लड़ रही हो, भीतर में शांति है, सहजता है, स्तब्धता है, नीरवता है, गंभीरता है।